11:15 हुए हैं अभी हम बद्रीनाथ, हमारा बेस कैंप अपने रखा है जोशीमठ, तो उसके लिए निकल रहे हैं और देखते हैं कब तक पहुँच रहे हैं। ऐसी बात सुनने में ही कि वहाँ पे स्नो हुई है रास्ते में, तो देखते हैं गाड़ी कहाँ तक चला सकते हैं। जोशीमठ तक तो आराम से पहुँच ही जाएंगे, तो चलिए मिलते हैं, हमारे साथ यात्रा में जुड़े रहे। आप देख सकते हो भगवान जी भी हमारे साथ साथ ही, कल भी हमारे साथ साथ ही निकले थे, आज भी ये ऊखीमठ जा रहे हैं। अभी हमने लेफ्ट टर्न लिया है केदारनाथ से निकल के चोपटा, वाया चोपटा बद्रीनाथ जाने के लिए, यानी कि जोशीमठ जो हमारा मुकाम है आज रात के लिए, उसके लिए हमको बीच में लेफ्ट टर्न लिया। इसे ये रोड को बोलते हैं चमोली। ये जो हमने लेफ्ट टर्न लिया ना, तब से पूरा सीन चेंज हो गया, ग्रीनरी बढ़ती जा रही है। आगे जाके सबसे पहले चोपटा आएगा। ओरिजिनली हमारा प्लान था कि हम चोपटा में रुके, आज भी देखते हैं, अगर बहुत बढ़िया हमको सीन लगा तो हम रुक भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखिए हम क्या करते हैं, कैसे हमारी ट्रिप आगे जा रही है। चोपटा को इंडिया का स्विट्जरलैंड बोला जाता है, उसका कारण क्या है, यहाँ की ग्रीनरी। ये दोस्तों ऊखीमठ है, यानी कि जो शीतकालीन स्टे है बाबा केदारनाथ का, वो है यहाँ पे 6 महीने तक। यहाँ पे जो मंदिर है ऊखीमठ में, वहाँ पे बाबा केदारनाथ रहेंगे। टेंपल जो ऊखीमठ है, जो ये आप अभी आपने देखा, ये फ्रेंड्स अभी 1:15 हुए और हम चोपटा के आजू बाजू यानी आउटस्कर्टिंग चोपटा में पहुँच चुके हैं। पे इतना बढ़िया लग रहा है ना, तो फेस टू फेस, तो और मैं बताऊँ कि अचानक से जो 14 डिग्री टेम्परेचर था वो अचानक से 9 डिग्री हो गया। यहाँ पे धीरे धीरे कब से हमारी कार ऊपर की ओर जा रही है, यानी कि हम स्लोली स्लोली रास्ता ऊपर चढ़ रहे हैं, और बाजू में जो पहाड़ है ना, पूरा स्नो कैप्ड मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे वो पहाड़ है, वो मुझे लग रहा है कि उसको ये रोड क्रॉस करेगा। और जब भी वो मोड़ आएगा ना, आप बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, मैं आपको वो मोड़ दिखाऊँगा, तो वीडियो आप देखते रहिए। आगे वो मोड़ आएगा जब, जिसे पास बोलते हैं, मैं आप देखिए स्नो गिरी हुई है, और ये व्यू देखिए, एडवेंचर कैंप, एक ग्लोबल एडवेंचर कैंप चोपटा स्विस कैंप। ये आप देख सकते हो चोपटा, ये बढ़िया एक कैंप साइट है। आप देख सकते हो कि हम लोग यहाँ पे ऐसे ही थोड़ा ब्रेक लेने के लिए रुके, काफ़ी अच्छी कैंप साइट है। यहाँ पे रुकने का मेरा तो मन हो गया, लेकिन थोड़ा सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि बद्रीनाथ जी का टेंपल कल किसी भी प्रकार हमको पहुँचना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसा कुछ औली में मिलेगा तो औली में पक्का रुकेंगे। ये देखिए ये बढ़िया सा माहौल, कल इतनी स्लो देख ली ना भैया, आज रुकना नहीं है, वरना इतनी स्लो में तो मैं लेट जाता हूँ, यानी कि स्नो के ऊपर इतर बितर तितर हो जाता हूँ। अरे रे, ये मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है। अभी देखते हैं कि ये बाइक कैसे निकलता है और मेरी गाड़ी कैसे निकलती है। मेरी गाड़ी स्लिप होने वाली है एक साइड से, वो मुझे पता है, नहीं हुई। चलो, लेकिन दोनों टायर के, चारों, दोनों नहीं भैया छोड़ो, अभी चारों टायर के ऊपर स्नो लग चुकी है। अभी टर्निंग में मुझे संभालना है, गाड़ी स्किड नहीं हुई तो इसका मतलब है कि टायर सही चल रहे हैं। दूसरी मैं आपको एक टिप दे दूं, स्नो में गाड़ी चलाओ तो 10% टायर का टेम्परेचर कम कर दो। अगर आप, हम सूरत में 32 में चलते हैं नॉर्मली, तो आप 29-28 पे लेके आ जाओ, तो उससे आपकी गाड़ी कम स्लिप होगी। मंदाकिनी कैंप, काफ़ी सारे कैंप है, बढ़िया है, मैं बताऊं मैं आपको कि बढ़िया है। कल अगर हम थोड़े जल्दी आगे होते ना, अगर स्लिप होए बिना रास्ते में फटाफट चले होते ना, तो यहाँ तक पहुँच गए होते, क्योंकि आप देखिए कि मैं 11 बजे निकला, थोड़ा आराम आराम से आया, तो 2 बजे ना, अभी समझ लो कि 2 बजे है और मैं निकला था 11 बजे, तो 3 घंटे का रास्ता है चोपटा केदारनाथ नीचे बेस कैंप से। तो अगर मैं होटल पे पहुंच गया था मैं 6 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे,
तो अगर मैं 2 घंटे भी जल्दी आया होता ना, प्लान तो वही था हमारा टट्टू पे आने का, घोड़े पे नीचे जल्दी, लेकिन भोलेनाथ की जैसी इच्छा तो मैं यहाँ पे रुकता और बनता, यानी कि ये बनता है ब्रेक। तो आई मिस दिस एडवेंचर, जब तक मैं वापस नहीं आऊँगा यहाँ पे तब तक मिस करता रहूँगा, मेरे दिल में ये रहेगा, दिमाग में रहेगा, चोपटा जाना है, चोपटा जाना है। और चोपटा विंटर में आइए, लेकिन गाड़ी ऐसी लेके आइए, चेन लगा के आइए स्नो वाली, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि स्नो का माहौल बढ़िया रहता होगा, बढ़िया माहौल, लेकिन आह्लादक। आजू बाजू मैं आपको सीधा रोड ही दिखा सकता हूँ, लेकिन नहीं ठीक है, आपको भी काफ़ी दिख रहा है, मैंने अभी जस्ट स्क्रीन चालू किया, पूरा आजू बाजू का काफ़ी 360 कवर कर रहा है, ये वाइड 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 एंगल लगा रखा है छोटे यूट्यूबर भाई ने। तो अब ये छोटी राम बिहारी GJ01 देखिए दोस्तों, अहमदाबाद से आए हुए हैं और साइड भी नहीं दे रहे, देखिए शूटिंग में इतने मग्न है कि इनको पता ही नहीं पीछे अपने भाई बहन थे एक ही स्टेट वाले, गुजरात की खुशबू, गुजरात की महक, ओहो, हरियाणा वाले आए थे, गुजरात वाले आए थे, अरे रे आप देखिए सीन, देखिए दोस्तों ये सीन देखिए, ओहो, इसीलिए चोपटा फेमस है। मैं चोपटा चोपटा कर रहा था, मेरे फैमिली वाले सोच रहे होंगे कि क्या होगा चोपटा में, लेकिन अभी वो लोग भी चोपटा 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 करेंगे। क्या सीन है दोस्तों, क्या सीन है, यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियां हैं तो आदमी कहाँ चले गए, लेकिन कुछ यहाँ पे कोई पॉइंट बनता है मुझे ये लग रहा है। स्नो देखिए आप, क्या बढ़िया स्नो है, और यहाँ पे रोड के ऊपर स्नो है, काफी पानी की बड़ी परत है। तो एक बार गाड़ी स्कीड करा के देखते हैं क्या होता है, थोड़ा एक्सेलरेशन देते हैं, नहीं 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 करना है, गाड़ी उल्टी हो जाएगी, आउट ऑफ कंट्रोल। तो चल चलो छोड़ देते हैं, ये सारे छोटे यूट्यूबर भाई एक बार तो मैंने बोला तो डर गए, एकदम गाड़ी सीट के ऊपर एकदम खड़े हो गए कि क्या करने वाले हैं पापा। सही में ऊपर से स्नो गिरी पेड़ के ऊपर से, अभी एक ही चीज़ बाकी रह गई ये ट्रिप में, मैं बताऊँ आपको कि एक चीज़ बाकी है, स्नो गिर रही है और मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, बस ये हो जाए बढ़िया बढ़िया सीन, यानी कि मैं क्या बताऊँ। आप आगे देखिए, एक सीन जा रहा है दूसरा सीन आ रहा है, ऐसा हो रहा है कि ये लास्ट सीन है, कर दे शूटिंग, कमेंट्री कर दे आगे के मोड पे, इससे बढ़िया स्क्रीन आप देखिए, अभी ये वाला तो देखिए आप, ये वाला आप देखिए, मैं क्या बताऊँ आपको, आप देखिए ये वाला सीन, ओहो देखिए क्या सीन आ रहा है, ऊपर सनलाइट है, इतनी स्ट्रॉन्ग सनलाइट है, और नीचे स्नो गिरी हुई है, यानी कि चमक रही है, ये वो व्हाइट कलर होता है ना, व्हाइट कलर फीका लगे ना, ये पॉइंट है, ये वाला, ये पूरा पीक है मेरे हिसाब से, ये पीक आ गया, यहाँ पे बनता है ब्रेक। और टाइम तो हो चुका है 2 बजे, तो यहाँ पे खाना खाएंगे, आपको थोड़ा शूटिंग भी दिखाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये स्नो देखिए, ये चोपटा है, हम यहाँ पे एक्चुअली पीछे हमारा जो ढाबा है वहाँ पे हम, ये जो आपको दिख रहा है वहाँ पे हमने खाने का ऑर्डर दिया है और उसके सामने हम रुके हुए हैं। ये देखिए छोटा यूट्यूबर भाई कहीं पे स्नो खाने की कोशिश कर रहा है और ये उसने गोला खा लिया, अभी नेक्स्ट टाइम अब शरबत लेके आएंगे, तो गोला तो यहाँ पे है। तो फ्रेंड्स ये हमारी खाने की डिश है, आप देख सकते हो, आलू प्याज के पराठे अचार के साथ, मैगी, एक गोभी पराठा, सलाद, और आप देखिए कि हम स्नो में बैठे हुए हैं, टेबल लगाया हुआ है, काफ़ी बढ़िया टेस्ट हम सब खा रहे हैं।
फुल सनलाइट, इतनी सनलाइट है कि देख नहीं पा रहा हूँ मैं। एक्चुअली मैं सनलाइट के सामने ही बैठा हूँ। अब देखिए नज़ारा पीछे, टेबल कहाँ पे लगा हुआ है, एकदम स्नो के बीचों बीच। आप देखिए पूरा टेबल स्नो के बीच में लगा हुआ है। बोलिए चाय 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 गरम चाय गरम चाय चाय पी लो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स 2:45 चोपटा में हमने हमारा लंच कंप्लीट किया और अभी हम निकल पड़े हैं जोशीमठ की तरफ। काश जोशीमठ में मुझे आशा है कि मिल जाए ऐसा कोई कैंप साइट। अरे आज तो हम रुकेंगे नॉर्मल होम स्टे में, वो जो एक देखा हुआ था जैसे कैंप जैसा ही लग रहा था लेकिन पक्का मकान था। तो वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ प्लान करते हैं, तो जो चीज़ यहाँ पे ना हो पाई वो वहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी अच्छा, यानी कि यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी है दिल्ली से राजस्थान से। मैंने देखा कि यंगस्टर्स, मैंने देखा कि यहाँ पे बॉयज़ लोग ज़्यादा आए हुए हैं, लेकिन वो जो क्या बोलते हैं उसको कि डिसिप्लिन में नहीं रहते, रास्ते पे खड़े हो रहे हैं, साइड नहीं दे रहे, समझ नहीं रहे गाड़ी नहीं जाएगी बर्फ़ में, तो उस प्रकार का है। अभी बर्फ़ है तो रास्ते पे आप देखिए काफ़ी बर्फ़ है और बहुत आसानी से गाड़ी अभी तो चल रही है। ऊपर से स्नो गिरी पन्नों पे से, आप देखते रहिए, थोड़ा संभल के चलाना है यहाँ पे गाड़ी। मैं आपके लिए शूटिंग कर रहा हूँ तो सब्सक्राइबर वाली बात आपको याद है ना, सब्सक्राइबर चाहिए चाहिए और चाहिए। देखिए नज़ारा बहुत बढ़िया है, गाड़ी थोड़ी सी अभी तक स्कीड हुई नहीं है, अच्छी बात है। यहाँ पे हाईएस्ट है, अगर गाड़ी रुक गई ना तब स्कीड होगी। गाड़ी ऐसे ही चलती रही नॉर्मल स्पीड पे, ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं किया तो वो स्कीड नहीं होगी। अभी देखिए ये भाई ने साइड में लगा दिया, यानी कि ये दिक्कत यहाँ पे ही है कि रूल फॉलो आप नहीं करोगे तो दूसरे को दिक्कत होगी और दूसरे को कभी कभार दिक्कत आपको भी दिक्कत में डाल देती है। अभी स्नो वेला जो था वो पूरा इलाका हमने पार कर दिया। ऐसा लगा था कि आज कोई इतना मज़ा नहीं आएगा, सिर्फ ड्राइविंग करनी है, लेकिन ऑन द रोड आज सबसे ज़्यादा मज़ा आया। क्या बढ़िया मज़ा आ रहा है ये तो यार। अभी तो हर बार बनता है नवंबर में यहाँ पे आना, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आपके पास 6-7 दिन की छुट्टी है तो आप सूरत से आराम से आ सकते हो खुद की कार लेके या फिर बाइक लेके भी। यहाँ पे हमको केदारनाथ में काफ़ी लोग मिले अपने खुद के बाइक से, सूरत से आए थे, कोई राजकोट से आया था, कोई बॉम्बे से भी आया था। बॉम्बे वाला बाइक तो मैंने दिखाया आपको, देखिए देखिए हर मोड़ पे सीन आ रहा है, हर मोड़ पे सीन आ रहा है। ब्रेक नहीं लगानी है, एक दूसरा मैं आपको बताऊं कि ब्रेक नहीं लगाना है कभी भी टर्निंग पे, स्नो पे ब्रेक नहीं लगाना है। जो मेरा मिरर सीन है वो दिखा रहा हूँ, सीनिंग सीन जिसे बोलते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया नज़ारा, आप देखिए पीछे का और आगे का। 360 कैमरा लेने की ज़रूरत क्या है दोस्तों, मैं ये बोलता हूँ। आपके पास मिरर है तो आप ऐसे ही बढ़िया सा शूट कर सकते हो। आप देखिए बढ़िया, अभी मैंने पूरा ओनली रियर स्क्रीन यानी कि पीछे का स्क्रीन में ले रहा हूँ ओनली, आप देखिए। और आगे का मेरी कार में हो रहा है कनेक्ट। यहाँ पे स्नो काफ़ी है, आराम से गाड़ी निकल गई। देखिए आप पीछे का स्क्रीन,
क्या बढ़िया नज़ारा है, क्या तो ये देखिए पूरा बर्फ़ का गोला बना दिया। अभी सिर्फ शरबत की कमी है, शरबत होता तो बर्फ़ का गोला शरबत डाल के कौन सा कलर करके हम बेच देते। मैं तो बोलता हूँ यार अच्छा बिजनेस है यहाँ पे, स्नो पड़ा हुआ है ठीक है, तो अपन 12-13 शरबत लेके यहाँ पे आ जाएंगे। और हाथों हाथ बर्फ़ पीछे से निकल रहा है, वहाँ से उठा उठा के सबको गोले बना के बेच देंगे शरबत डाल के। और आप देखिए नज़ारा देखिए, जस्ट नज़ारा देखिए आप, अभी इनसे ज़्यादा क्या आप एक्सपेक्ट करोगे कि पूरी वानर सेना। अब देखिए पूरी वानर सेना आगे तो आ रहे हैं, यानी कि ये ख़त्म नहीं हुए, ये तो देखिए पूरी वानर सेना। आप देखते रहिए, मेरा कैमरा ऑन है, पूरा इनका कबीला। ओ हो आप देखिए इतने सारे बंदर एक साथ मैंने पहली बार देखे। ये फ्रेंड्स ऑन द वे टू जोशीमठ, हमें संतरे के पेड़ मिले। एक दो ले सकता हूँ क्या? कोई ये लाइव निकलते कैसे ही है? देखो फ्रेंड्स लाइव संतरे या मौसम्बी? संतरे। आउट। तो फ्रेंड्स ऑन द वे टू जोशीमठ, हमने रास्ते में ये मौसम्बी के पेड़ आए थे, तो उधर से ये मौसम्बी यहाँ तोड़ी है, बहुत फ्रेश है। माना गांव यहाँ से 93 किलोमीटर, बद्रीनाथ 89, जोशीमठ यहाँ से 86 किलोमीटर। तो कल हम आज नाइट को जोशीमठ रुकेंगे, कल हम बद्रीनाथ दर्शन करेंगे, बाद में इंडिया का आखिरी गांव ये बॉर्डर पे माना विलेज वहाँ पे जाने वाले हैं, और घूम के वापस नाइट को आ जाएंगे। तो माना विलेज में हम कार पार्क करेंगे, वहाँ पे थोड़ा एक आध किलोमीटर वॉक करना है। आप अभी सामने सीन देख सकते हो कि क्या बढ़िया सीन है। आप ऊपर जो देख रहे हो गोल्डन शेड, वो आप देखिए कि अमेजिंग, यानी कि पिक्चर परफेक्ट सीन जिसे बोलते हो ना, वो प्रकार का सीन है। आप देखिए दो बीच में, यानी कि आपको ऐसा ही लगेगा कि सोना वहाँ पे सोना है, सोना गोल्ड नींद नहीं। तो आप देखिए सामने क्या बढ़िया सीन है, क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये ऐसा है कि जो होटल हमने देख के रखी थी ऑनलाइन, वो तो बंद निकली, तो अभी हम जोशीमठ से थोड़ा आगे 15 किलोमीटर पांडुकेश्वर करके एक जगह है, सेंटर है बड़ा, तो वहाँ पे जाएंगे। तो क्या है?